हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं। किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी रहते हैं। क्या ये होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए, वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाता, वो नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी के स्थान पर आए थे और कल आपके स्थान पर भी कोई और अवश्य आएगा, क्योंकि ये परिवर्तन है, ये इस प्रकृति का नियम है। इसमें शोक कैसा? जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। एक बार सच्चे दिल से जरूर बोलिएगा, राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान है, उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज्यादा प्रिय नहीं होता। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, पुकारते हैं, उनके साथ वह सदैव उपस्थित रहते हैं। संपूर्ण जगत, ब्रह्मांड, चर अचर, सब में ईश्वर का वास है। ये ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है, वही ईश्वर अग्नि की ऊष्मा है। उसी ईश्वर का वास प्रत्येक प्राणियों में है, जो सन्यासियों के चित्त को शांत कर साधना में लीन कराता है। वह आत्मसंयम भी ईश्वर ही है। ये संसार नश्वर है, इस जगत में सुख दुख, हर्ष विषाद आदि लगा रहता है। क्षण भर के सुख से जो खुश नहीं होता और अशुभ होने पर जो दुखी नहीं होता, वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है। उसे ज्ञात होता है यहाँ सब क्षण भर के लिए होता है, भले ही वह सुख हो या दुख। ये जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके, परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वह वास्तविक रूप से उस फल का भागी है। अन्यथा वह चोर की भांति है, जिसे बैठे बिठाए सब मिल जाता है। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से उत्तम आप अकेले रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते हैं। ये जीवन एक रणभूमि है, यहाँ निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इस संघर्ष रूपी महाभारत में स्वयं अपना सारथी, अपना मार्गदर्शक और योद्धा बना होता है। जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिनके पास किसी साधन की कोई कमी नहीं होती, वह थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेलते, थोड़ी सी भी कमी होने पर भगवान को कोसते हैं। वह जिनके पास अभाव होता है, जिनके पास साधन की कमी होती है, उनके पास थोड़ी सी भी बरकत हो या खुशी मिले, वह भगवान को धन्यवाद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये पृथ्वी नश्वर है, यहाँ सब कुछ गतिमान है। जिस प्रकार सुख दुख जीवन में आता जाता है, उसी प्रकार मृत्यु और जन्म यहाँ लगा रहता है। इसमें खुश होना या दुख मनाना व्यर्थ है। मुंह से माफी देना और हृदय से माफी देने में काफी अंतर है। मुख द्वारा दिए गए माफी को तत्काल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु दिल की माफी प्राप्त करने में उम्र बीत जाती है। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वही साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। संसारिक सुख क्षणिक होता है। जो सुख आज प्राप्त हो रहा है, वह सुख स्थायी नहीं है। ये सुख आपके साथ सर्वथा नहीं रहने वाला है। आपको दुख भी प्राप्त होगा, परंतु संसार से वियोग अर्थात मुक्ति परम आनंद को प्राप्त कराती है, ये ईश्वर तक पहुंचाती है। माना जाता है जीवन के पूर्व कर्मों का फल इसी जन्म में प्राप्त होता है। जिनके भी रिश्ते नाते सुख दुख व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त होते हैं, वह पूर्व जन्मों का फल है, वरना कौन
इतनी बड़ी दुनिया में आपसे दिल लगाता है। राधा और कृष्ण दोनों अवतारी थे। दोनों का जन्म कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए हुआ था। उन दोनों का मिलना बिछड़ना बस एक प्रक्रिया मात्र ही थी, जिसके माध्यम से प्रेम का वास्तविक रूप समझा सके। आस्था और प्रेम पर व्यक्ति का स्वयं नियंत्रण होता है। जहां आस्था और प्रेम लग जाता है, वहीं श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण को जो भी भक्त सच्चे हृदय से पुकारता है, वे उनके साथ सदैव खड़े हो जाते हैं। प्रहलाद जैसा विश्वास, भीलनी जैसी आशा और द्रौपदी जैसी पुकार, मीरा जैसा इंतजार, अगर सभी शुद्ध हो तो श्री कृष्ण को तो आना ही पड़ता है। आशाएं व्यक्ति को दुख के मार्ग पर ले जाती हैं। आशाएं बड़ी प्रबल होती हैं। आशा अनुरूप कार्य होने पर जहां खुशी मिलती है, वहीं आशा के विरुद्ध कार्य होने पर दुख का पहाड़ टूट जाता है। व्यक्ति के जीवन में आशा दुख का प्रमुख कारण। जो लोग ये कहते हैं अपनों के आगे झुकने में बुराई नहीं है, उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए जो अपने होते हैं वे कभी झुकने नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब से मनुष्य का जन्म हुआ है, जान पहचान का और आज के युग में तो व्यक्ति का मूल्यांकन ही इससे किया जाता है कि इसकी पहचान किससे है, उसकी पहचान कहाँ तक है। क्यों, आपके आसपास भी ऐसे कई लोग होंगे जो पहचान के बल पर आपको बना देते हैं। ऐसे कई लोग होंगे जो पहचान से काम पा लेंगे, धन अर्जित कर लेंगे, किंतु आप तनिक सोचिए, क्या ये ठीक है? पहचान से मिला काम आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आपके उनसे मधुर संबंध होंगे। संबंधों में खटास आई और काम निकल गया हाथ से, तो अब क्या किया जाए? इसका उत्तर है काम। अपना काम पूरे मन से करो, अपना काम निर्छल से करो, क्योंकि पहचान से मिला काम अधिक समय तक नहीं टिकेगा, किंतु काम से मिली पहचान युगों युगों तक टिकेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ कर दिखाना है, आकाश की वो सीमा छूनी है जिसे छूने के विषय में आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो अपने भीतर ये तीन गुण अर्जित करिए। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाह, लगन। ये आपसे वो करवा सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते। दूसरा है साहस। संकट उठाने की क्षमताएं आपसे वो करवा सकता है जो आप करना चाहते हैं। और तीसरा है अनुभव। अनुभव आपको ये बताएगा कि आपको करना क्या चाहिए। तो जिसने चाह, साहस और अनुभव, इन तीन गुणों की तिकड़ी पाली, उनके लिए इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो ना पा सके। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वप्न और लक्ष्य कितने समान लगते हैं, इन दोनों की व्यक्ति कल्पना करता है, इन दोनों को व्यक्ति पाना चाहता है, और ये दोनों पूर्ण तो व्यक्ति स्वयं को भाग्यशाली भी समझता है, किंतु इन दोनों में अंतर है। अंतर ये है कि स्वप्न के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। जो व्यक्ति स्वप्न देखने में रह जाता है, उठने के पश्चात उसके हाथ खाली रह जाते, और जो व्यक्ति मेहनत करता है, सोते समय उसके हाथ उसका लक्ष्य होता है। इसलिए यदि स्वप्न भी देखो तो लक्ष्य समझ के। दीपक जलाने का कार्य कितना सुखमय होता है। प्रकाश की ये लौ मानो भीतर जाकर मन में उल्लास भर देती है। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इसे बुझा क्यों दिया, जबकि इसी से मैंने अन्य दियों को जलाया है। क्योंकि जब तक ये तीली अन्य बातियों को जला रही थी, तब तक ये जल रही थी, किंतु जब इसने ऐसा करना छोड़ दिया, इसे स्वयं बुझना पड़ा। जीवन में इसी प्रकार प्रकाश देने का नाम है। जीवन में शुभ कर्म करोगे, परोपकार करोगे, किसी की सहायता करोगे तो जीवित रहोगे, और जिस दिन ये करना बंद कर दिया, श्वास लेने के पश्चात भी मृत समान होंगे। इसलिए जब तक श्वास है, आशा रूपी प्रकाश का संचार करते रहिए। विश्वास कीजिए, मृत्यु के पश्चात भी अमर रहेंगे। तो प्रेम से बोले, राधे राधे। एक समय की बात है, तूफान में फंसकर एक समुद्री जहाज तहस नहस हो गया। उसमें बैठे सभी यात्री समुद्र में डूबकर मारे गए, बस एक आदमी को छोड़कर।
भगवान की कृपा से वह किसी तरह बच गया और बहकर समुद्र के किनारे आ गया। उसकी बेहोशी टूटी और आँख खुली तो उसने खुद को एक उजाड़ सुनसान द्वीप में पाया। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान मेरी मदद करो, कोई मदद यहाँ भिजवा दो। दिन गुजर गया, रात हो गई, लेकिन उसके लिए कोई मदद नहीं आई। समुद्र किनारे सोकर उसने रात गुजारी। अगले दिन उसने फिर भगवान से मदद के लिए प्रार्थना की, लेकिन कोई मदद नहीं आई। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। उजाड़ द्वीप की जिंदगी को अपनी किस्मत मानकर आदमी ने कुछ लकड़ियाँ और घास फूस इकट्ठा कर ली, अपने लिए एक झोपड़ी बना ली। टूटे जहाज से बहकर आई चीज़ों में से उसने अपनी ज़रूरतों की चीज़ें इकट्ठा करके झोपड़ी में रख ली। उसी झोपड़ी में रहकर वह दिन गुजारने लगा। एक दिन मैं भोजन की तलाश में गया हुआ था, वापस लौटा तो देखा उसकी झोपड़ी में आग लगी हुई है। अपना एकमात्र आसरा उजड़ जाने से वह बहुत दुखी हुआ और आसमान की ओर सिर उठाकर भगवान को कोसने लगा। भगवान, मैंने तुझसे मदद भेजने के लिए कहा पर तूने ना सुनी। मन मार कर मैंने जीने के लिए यहाँ एक झोपड़ी बनाई तो तूने वो भी जला दी, मेरा आसरा छीन लिया। तू बड़ा निष्ठुर है। रात भर वह समुद्र के किनारे सोया। सुबह तेज आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा एक समुद्री जहाज किनारे आ लगा। वह खुश हो गया कि आखिरकार उसके लिए मदद आ गई। वह जहाज पर बैठा और जहाज चल पड़ा। उसने जहाज के कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ इस उजाड़ द्वीप में फंसा हूँ? हमें रेस्क्यू के लिए फायर सिग्नल भेजा गया था, पर मैंने तो फायर सिग्नल नहीं भेजा। जहाज के कप्तान ने कहा, लेकिन हम तो फायर सिग्नल देखकर ही आए हैं। तभी आदमी को अपनी जलती हुई झोपड़ी याद आई और वह समझ गया कि भगवान ने उसकी सहायता भेजने की प्रार्थना सुनकर उसकी झोपड़ी जलाकर समुद्री जहाज को उसके इस द्वीप में फंसे होने का संकेत दिया। वह भगवान का धन्यवाद करने लगा। दोस्तों, जब हम पर मुसीबत टूटती है तब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, धैर्य टूटने लगता है, आशा धुंधली होने लगती है और हम भगवान से शिकायतें करने लगते हैं। जबकि ऐसे समय में आवश्यकता है भगवान पर विश्वास बनाए रखकर मुसीबत से निकलने का प्रयास करने की। उस आदमी ने झोपड़ी बनाई तो भगवान ने उसमें आग लगाकर उसे उजाड़ द्वीप से निकलने में मदद की। हमें भी दिल छोटा किए बगैर भगवान पर विश्वास रख अपना प्रयास करते रहना चाहिए। हमारा प्रयास और भगवान का आशीर्वाद दोनों मिलकर हमें हर मुसीबत से निकाल देंगे। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।